नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल द यूके 04 एक्सप्लोरर में। और अभी सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और मैं हूँ कोसी में। कोसी जो है अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा रानीखेत वाली रोड पे पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत टाउन है। और कोसी आने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आज से मेरी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जो लाखों श्रद्धालुओं की तरह मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस वीडियो में बने रहिएगा, इस यात्रा से लेकर पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस यात्रा को करने की तो क्या सब ज़रूरी है आपको ध्यान में रखने के लिए, और जो प्लान नहीं कर रहे हैं वो अनुभव कर सकते हैं एक महाजश्न का जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं सफ़र के दौरान। तो महादेव का नाम लेके इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कोसी से अभी मैं 2 किलोमीटर ही आगे निकला हूँ। अब यहाँ से जो मेन टाउन आएगा इस रास्ते में वो होगा द्वाराहाट। तो कोसी से बगवाली पोखर होते हुए मैं द्वाराहाट पहुँचूँगा और द्वाराहाट से फिर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी और फिर सोनप्रयाग। रास्ता जो है वो थोड़ा लंबा है, तो देखने वाली बात यह है कि ये सफ़र आज के दिन में पूरा होगा नहीं होगा। थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दी मैंने राइड और मौसम भी काफ़ी ठंडा है अभी यहाँ पे, और हरे भरे जंगल है काफ़ी इस साइड। ये आपका अल्मोड़ा से आगे की तरफ को है, बगवारी पोखर और द्वाराहाट जाने वाली रोड है। केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग तक पहुंचना पड़ता है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोनप्रयाग पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते हैं, जिसमें से एक शुरू होता है ऋषिकेश से, जो कि गढ़वाल हिमालयास के लिए गेटवे भी कहलाया जाता है। दूसरा रास्ता है कुमाऊं से, जो शुरू होता है हल्द्वानी से, और हल्द्वानी कुमाऊं हिमालयास का गेटवे कहलाया जाता है। तो जस्ट द्वाराहाट क्रॉस किया अभी, 10 बज रहा है अभी, 2 घंटे लग गए कोसी से द्वाराहाट पहुंचने में। द्वाराहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक काफ़ी बड़ा शहर है और हर तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं यहाँ पे। कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों रास्ते रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाते हैं और वहाँ से एक कॉमन रास्ता शुरू हो जाता है, जो अगस्त मुनि कुंड, गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग तक पहुँचता है। मैंने इन दोनों रास्तों से सफ़र किया हुआ है और दोनों ही काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है हल्द्वानी से सोनप्रयाग। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस रास्ते में आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है और नज़ारे बहुत शानदार। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो इस रास्ते को अवश्य ट्राई करें। इस रास्ते में आपको काफ़ी हरे भरे जंगल मिलेंगे और इसके साथ मिलेंगे कई छोटे और एकांत गाँव, जहाँ आप अपने सफ़र की थकान मिटाने के लिए चंद लम्हों के लिए रुक सकते हैं। तो केदारनाथ आने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आप उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की वेबसाइट से आने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। दूसरी बात, आप किसी भी मौसम में आएं लेकिन गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तीसरी चीज़, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करवा लें। अगर आप फ्रॉड में नहीं पड़ना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग heliservices.uk.government.in से ही करवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोशिश करें कि आप ये यात्रा मई से जून के इनिशियल डेज या फिर अक्टूबर और नवंबर में ही प्लान करें, क्योंकि इस टाइम के अलावा यहाँ पर बारिश का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। हल्द्वानी से अगर सोनप्रयाग की दूरी की बात करें तो ये करीब 320 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में
12 से 13 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंचने की बात करें तो ये दूरी 10 घंटे में तय हो जाती है। फर्क रास्ते का है। ऋषिकेश से रास्ता थोड़ा बेहतर है हल्द्वानी के मुकाबले, तो मैंने अपना ये सफ़र अल्मोड़ा से शुरू किया था जहाँ से मुझे 8 से 9 घंटे लग गए। तो ओवरऑल अगर रास्ते की बात करें तो 80% रास्ता बिल्कुल ठीक है, 10-20% जो पैच है वो थोड़ा सा ऑफ रोड है। तो फाइनली सोनप्रयाग पहुंच गया हूं मैं। एग्जैक्टली सोनप्रयाग नहीं, बट सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर जगह है जहां पे हमने होटल लिया है। तो बाबा के दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई या चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था और थोड़ा सा चिंतित भी हो गया था मैं कि पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा सोनप्रयाग। बट वही है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ बाबा साथ देते ही हैं। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम पहुँच गए। और अगर रास्ते की बात करूँ मैं तो रास्ता जो है कुंड तक बहुत बढ़िया रास्ता है। कुंड के बाद जो पैच है सोनप्रयाग तक वो थोड़ा सा मिक्स है, कहीं पे ऑफ रोड है कहीं पे कंक्रीट की रोड है, तो ये थोड़ा सा मिक्स रोड है। तो अगर मैं स्टे ऑप्शंस की बात करूँ, मेरा रूम तो मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी आया हुआ था यहाँ पे, तो वो इसी होटल में रुका हुआ था। अभी वो गौरीकुंड की तरफ निकल गया है, तो उसने ये स्टे ऑप्शन उसने सजेस्ट किया, और क्योंकि उसका रूम था यहाँ पे ऑलरेडी तो हमको उसके रेफरेंस से यहाँ पे मिल गया। बट जैसा मैं देख रहा हूँ रूम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी खाली रूम्स हैं और पैनिक वाली कोई बात नहीं है, आराम से मिल जाता है रूम यहाँ पे, क्योंकि कंपेरेटिवली अब रूम्स और स्टे ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं इस जगह पे। तो अपनी केदारनाथ यात्रा का जो पहला दिन है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस ब्लॉग से। तो जो इस यात्रा का आगे का हिस्सा है वो आपको अगले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।